नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,072 नए मामले आए सामने, 389 मरीजों की हुई मौत। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 366 अंकों की उछाल के साथ खुला। कोरोना पर पीएमओ को एनआईडीएम ने सौंपी रिपोर्ट, तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा। बस्तीवासी वारांगनाओं में भिड़त, गंगा जमुना में तनाव, नागरिकों का हंगामा, पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। गोरेवाड़ा में शुरू हुई कैशलेस सुविधा, नकद नहीं रखने वाले सैलानी कर सकेंगे फोन पे। शहर में सीए के छात्र ने लगाई फांसी, नौकरी के तनाव में की आत्महत्या। पहले चरण में बनी क्लब बिल्डिंग, कंपाउंड वॉल, दक्षिण नागपुर स्थित क्रीड़ा संकुल का कार्य जारी। संघ पदाधिकारियों से उमा भारती ने की भेंट, कहा आरक्षण चाहिए तो एकजुट हो। सोना चांदी ने बिखेरी चमक, कीमतों में गिरावट से बड़ी रौनक। ऊर्जा मंत्री राउत ने की घोषणा, कहा बिजली कर्मियों का प्रमोशन जल्द। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।